राजस्थान के एक विधायक को लगातार हमले का डर सताता है और इसलिए वे हथियार और हथियारबंद जवानों का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। इस एमएलए का नाम है मनोज न्यांगली, जो चूरू जिले के सादुलपुर सीट से बसपा विधायक है। यह विधायक विधानसभा में पिस्टल लेकर पहुंचने के बाद चर्चा में है। 2 घंटे तक वे सदन में पिस्टल लेकर बैठे रहे, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। न्यांगली सदन के बाहर पिस्टल के साथ कैमरे में कैद हो गए। मामले की विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को भी जानकारी मिल गई है और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि सदन में मोबाइल तक ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन विधायक पिस्टल के साथ सदन में बैठे रहे। इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मनोज न्यांगली ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि गलती से वे पिस्टल लेकर विधानसभा में पहुंच गए और ऐसी गलती दोबारा नहीं की जाएगी। न्यांगली पर कुछ साल पहले हरियाणा की गैंग ने फायरिंग की थी। इस जानलेवा हमले में न्यांगली की आंख में गोली लगी थी। वहीं न्यांगली के भाई की भी हत्या हो चुकी है। मनोज न्यांगली की जान पर खतरा देखते हुए सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दे रखी है और वे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर रहते हैं। 5 साल पहले चूरू जिले के राजगढ़ में नकाबपोष कुछ युवकों ने बसपा के पार्टी कार्यालय में घुसकर फायरिंग की थी। इन शातिरों ने विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह न्यांगली के भाई मनोज न्यांगली सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया था। उस वक्त मनोज न्यांगली के चचेरे भाई उमेश सिंह ने अंदेशा जताया था कि राजनीति वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हमला हुआ। 3 साल पहले भाई वीरेंद्र न्यांगली की मौत के बाद मनोज ने इलाके में अपनी पैठ को मजबूत किया था। उधर पुलिस ने इस हमले पर आपसी रंजिश और गैंग वार का अंदेशा जताया था। बसपा विधायक मनोज न्यांगली पर जेल में शिनाख्त परेड की कार्यवाही के दौरान एक आरोपित हमला भी कर चुका है। इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने आरोपित के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। आरोपित ने विधायक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। विधायक मनोज न्यांगली पर फायरिंग करने के मामले में आरोपित की शिनाख्त परेड कार्यवाही होनी थी। जैसे ही आरोपित लुद्दी झावर निवासी सुरेश कुमार की पहचान की तो आरोपित ने विधायक पर हमला कर दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा में विधायकों की तलाशी का प्रावधान नहीं है, लेकिन विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन में साफ हिदायत है कि वे किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आ सकते। देखना है कि बसपा विधायक ने नियमों का जो उल्लंघन किया है उसे लेकर कोई कार्यवाही की जाएगी या फिर उनकी माफी ही काफी होगी।